सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। किसने दी दस्तक जुर्म की दुनिया में? कौन है? सब तो अंदर हैं, बाहर कौन है? ये पलामू के अपराध जगत का एक ऐसा सच है जिसे जान आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्मों में देखा होगा, पर असल जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता। कभी सोचा नहीं होगा कि पलामू से जैसे छोटे से इलाके में ये संभव है। डिजिटल इंडिया से जुड़ चुके पलामू में जुर्म की दुनिया उसके गुनाह लड़ाके लड़के हुआ करते थे, पर अब गैंग में गर्ल्स हैं। मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल कैपिटल न्यूज पर सबसे बड़ा पलामू अपराध जगत का खुलासा, गैंग में गर्ल्स। पिछले 2-3 साल से पलामू में आपराधिक गिरोह की सक्रियता बहुत ही कम थी। गिरोह कंपनियां सिमटी हुई नजर आ रही थी, पर पिछले एक सप्ताह में अपराध की दुनिया में बड़ी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। कानून के कैद में बड़े चेहरे की नाकेबंदी और पुलिसिया दबाव में घिरे गिरोह से अपराध जगत शिथिल पड़ गया। यही शिथिलता इसके ताने बाने में उलझे या कहें इसके सहारे गलत रास्तों पर चलकर चटखारे लगाने वालों को बेचैन तो करेगी। तभी तो पलामू के जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ी पैठ वाले डब्लू सिंह गिरोह में खलबली देखी जा रही है। इस गिरोह का सरगना डब्लू सिंह पहले से ही जेल की चार दीवारी में कैद है, जिसे आजीवन कारावास की सजा भी पिछले साल पलामू का कोर्ट सुना चुकी है। वहीं एक सप्ताह पहले इस गिरोह का सबसे अहम किरदार राजू तिर्की ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यही भर नहीं, इस गिरोह के मुख्य धुरी में गिने जाने वालों में जहां लॉ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं अमन सिंह पर जानलेवा हमला हो गया। ये मात्र एक संयोग नहीं, ये बुझ चुके अपराध जगत के अंदर ही अंदर जलती लौ की चिंगारी है जो प्यासी दिखाई पड़ रही है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, जिसके निशाने पर डब्लू गिरोह है। और यह आज से नहीं, कब से ही है, पर इस पलामू पर अभी इंद्रजीत का राज है, जिसे कोई मात नहीं दे सकता, जो शांति का वाहक है, जो लोकतंत्र में जनता का राज चाहता है, जिनके लिए नैतिकता ही मर्म है, मानवता ही धर्म है एवं नागरिकता ही कर्म है, पर जो मुख्य धारा से भटककर समाज के लिए खतरा बनते हैं, उनसे इन्हें उनकी ही भाषा में बात करना आता है। तो अपराधी के मन में इस तरह का खौफ पैदा कर देना है ना, और हमेशा अपना रिवॉल्वर में फुल गोली रखना है, ताकि 99 आदमी की रक्षा के लिए अगर एक आदमी को चुनौती देना पड़े तो आत्मरक्षा मुठभेड़ में भी पलामू की पुलिस झुकेगी नहीं। बाहुबली के समान जहां का कप्तान युवा हो, उनका उप कप्तान कटप्पा से कम कैसे हो सकता है, जिनके अनुभव और परिपक्वता ने ही पलामू के अपराध की बदलते स्वरूप को पहचाना भी और इसका पर्दाफाश भी कर दिया, ताकि जुर्म की दुनिया में पलामू का वर्तमान बहक न जाए, भविष्य बिगड़ न जाए। यहाँ के लोगों से यह अपील है कि किसी भी गैंगवार के चक्कर में गैंग के सदस्य बनने की का कष्ट न करें, न तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भले ही प्रशासन के लिए आपराधिक गिरोह कोई नई बात नहीं है, न ही चिंता की बात है, क्योंकि उससे निपटने के लिए ये सक्षम है, पर पलामू के अभिभावकों के लिए अवश्य चिंता की बात है, जिनके बच्चे भटक रहे हैं। बहरहाल हर 5-10 साल में एक जनरेशन ऐसा आता है जो भागता है, जो भटकता है, पर यहाँ भटकाव
एक नई दिशा की ओर है, जो खौफनाक है। वो ऐसा खौफनाक है जो इतिहास पलटने जा रहा है पलामू का, जो वर्तमान बिगाड़ रहा है और जो भविष्य उजाड़ सकता है। इस खौफनाक मंजर को देखने से आप समझ सकते हैं कि डब्लू गिरोह पर सुजीत सिन्हा गिरोह, जो हमेशा से सरदर्द बना रहा, वो किस तरह से हमलावर है। कहीं न कहीं ये हमलावर तेवर इस पूरे पलामू को नुकसान पहुंचा सकता है, तब जब गुनाह के नाम से थर थराने वाली लड़कियां ही गुनाह से अपने समाज को थर थराएगी, अपने गैंग के लिए मोहरा बनकर शिकार को ट्रैक करने का, गैर कानूनी हथियार से लेकर हर धंधे में साथ देने का काम करेगी और उसे बखूबी अंजाम भी देगी। ये सच है, पलामू में जुर्म की दुनिया में लड़कियों ने कदम रख दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब डब्लू गिरोह का बड़ा नाम रेड़मा निवासी लव कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर निमिया निवासी योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय की एक छात्रा ने कार से अपहरण करने व मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था, जिसके बाद लॉ को बिना नंबर प्लेट के स्विफ्ट कार के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। तो पलामू में गुनाह के दलदल में कदम रख चुकी एक लड़की का सच सामने आ गया। लव सिंह जो है डब्लू सिंह के गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इससे पता चला तो फिर बातचीत के अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि लव सिंह जो है उस लड़की के साथ एक साल से दोस्त बनाकर रखे थे। इसी बीच में किसी प्रकार से सुजीत सिन्हा के द्वारा उस लड़की को अपने पक्ष में मिला लिया गया और घटना के दिन जो उनके मोबाइल का जो बातचीत है उसके आधार पर यह पाया गया कि लड़की जो थी वो लव सिंह को ट्रैप करके और स्टेडियम के पीछे ले जाकर उसकी हत्या करवाना चाहती थी। मेदिनीनगर में कमोबेश वर्चस्व कायम कर चुके डब्लू गिरोह के नाम से जहां सब मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं अपहरण कर हत्या की साजिश करने का आरोप लव सहित डब्लू से लेकर राजू अमृत तक लगाने की बहादुरी यूं ही नहीं दिखलाई गई थी। उसकी तो मंशा ही थी प्रेम जाल में फंसे लव को प्रेम पाठशाला बुलाकर जमीन दोज करना, पर उसकी ये चाल उसी पर उल्टा पड़ गया। उसकी बेवकूफी कहें या असल में सुजीत सिन्हा की चाहत, उसके मोबाइल में लगी तस्वीर उसके मंसूबे को नाकाम कर दिया, वरना ये राज अब तक राज ही रहता। वो लड़की जो है अपने मोबाइल में वॉलपेपर में सुजीत सिन्हा का तस्वीर लगाई थी। सुजीत सिन्हा जो अभी हजारीबाग जेल में बंद है और कुख्यात अपराधकर्मी है, लेकिन लगातार लड़की जो थी गैंग लीडर से अपना बातचीत कर रही थी, अपने जो गैंग के लीडर थे उनसे। उस आधार पर ये लोग जब वहाँ पहुँचे स्टेडियम के पीछे कार से, लड़की जब पहुँची तो वहाँ पर लव सिंह खड़े थे। लव सिंह का फ़ोटो इसने तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचा तो लव सिंह ने इसका मोबाइल लेकर के अपना फ़ोटो जो है उसको डिलीट कर दिया। इसी क्रम में उसने मोबाइल को जब देखा तो मोबाइल को देखने के बाद उसको ये आभास हो गया कि ये लड़की जो है हमको ट्रैप करके यहाँ लाई है मेरा मर्डर करवाने के लिए, इसलिए कि उसके वॉलपेपर में क्रिमिनल गैंग के मुखिया का उसमें तस्वीर था और जो बातचीत हुई थी व्हाट्सएप पर उसका भी उसने अवलोकन किया। उसके बाद उसने मोबाइल छीन लिया और लड़की को वहाँ मारपीट किया, मारपीट करने के बाद उसका अपहरण कर लिया। लड़की को उठा करके वो बहलोलवा की तरफ चला। बहलोलवा की तरफ जब चला तो रास्ते में पूरा पुल के पास एक कार में, जिसका कि व्हाट्सएप में इसका सूचना भी है कि चार लड़के जाएंगे और कार को में काफ़ी तेज़ी में आवाज़ रहेगा, वो लड़के लव सिंह को हत्या करेंगे, वो कार जो है ओवरटेक करते हुए फायरिंग करते हुए पांकी की तरफ भाग गया। ये लोग किसी तरह गाड़ी को तेज़ी में भगाते हुए बहलोलवा पहुँचे, जहाँ राजू तिरकी वगैरह वहाँ पर इकट्ठे थे। उसके बाद लड़की को वहाँ पर पूरा मारपीट किया गया, लड़की को बुरी तरह सभी ने मिल करके मारा कि तुम दूसरे गैंग के माध्यम से हमको मरवाना चाहती है। उसके बाद वहाँ पर जब आदिवासी लोगों का भीड़ जुट गया तो किसी तरह लड़की को वो लोग डांट डपट कर करके और छोड़े वहाँ से। गुनाह के गैंग में गर्ल्स का होना चिंता की बात है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि युवती स्थानीय मेदिनीनगर से सटे निमिया की है, जो सिर्फ
दूसरे गिरोह के सदस्य को मारने के लिए उसे रासलीला के बहाने उस इलाके में बुलाया था जहां विरोधी का ही बोलबाला था। ये बात जहां उसके कातिल सोच को उजागर करता है, वहीं समाज के लिए यह भयावह है। लेकिन लगातार लड़की जो थी वो गैंग लीडर से अपना बातचीत कर रही थी, अपने जो गैंग के लीडर थे उनसे। उस आधार पर ये लोग जब वहां पहुंचे स्टेडियम के पीछे कार से, लड़की जब पहुंची तो वहां पर लव सिंह खड़े थे। लव सिंह का फोटो इसने तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचा तो लव सिंह ने इसका मोबाइल लेकर के अपना फोटो जो है उसको डिलीट कर दिया। इसी क्रम में उसने मोबाइल को जब देखा तो मोबाइल को देखने के बाद उसको ये आभास हो गया कि ये लड़की जो है हमको ट्रैप करके यहाँ लाई है मेरा मर्डर करवाने के लिए। इसलिए कि उसके वॉलपेपर में क्रिमिनल गैंग के मुखिया का उसमें तस्वीर था और जो बातचीत हुई थी व्हाट्सएप पर उसका भी उसने अवलोकन किया। उसके बाद उसने मोबाइल छीन लिया और लड़की को वहाँ मारपीट किया। हालांकि सुजीत गैंग में लड़की का होना कोई आश्चर्यजनक इस लिहाज से नहीं कि उसकी पर्सनालिटी किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, पर प्रशासन और समाज के लिए सुजीत नामक पर्सनालिटी पहले भी चुनौती रहा, अब हजारीबाग जेल में कैद रह कर भी पलामू पुलिस के लिए नई चुनौती है। पलामू के समाज के लिए अपराध एक ऐसी चुनौती है जो हर घर को सतर्क होना चाहिए, पर इसके दुष्परिणाम को छोड़ कोई भी घर के अभिभावक सतर्क नहीं होते, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, जिसका परिणाम होता है कि जुर्म और गुनाह का दायरा बढ़ता जाता है। पलामू जिला मुख्यालय से बिल्कुल सटा शहरी इलाका है निमिया। सदर प्रखंड के जोड़ पंचायत अंतर्गत स्थित यह क्षेत्र नवगठित मेदिनीनगर नगर निगम का हिस्सा हो जाएगा, जहां की युवती पलामू के प्रतिष्ठित महाविद्यालय विमेंस कॉलेज की छात्रा है। पर इसका दूसरा रूप भी है, वो महज एक छात्रा नहीं बल्कि एक गैंग की गुर्गा भी है। समाज में सामान्य जीवन जीने वाली युवती के दूसरे रूप के पीछे एक ऐसी काली दुनिया है जिस दलदल में फंसने पर उससे बाहर कोई नहीं निकल पाता है। इसी दुनिया के शिकार युवा वर्ग की जेल में संख्या ज्यादा है। पंख पसार कर नीले गगन में उड़ने के बजाय ये कारागृह की चार दीवारी में कैद भरी नरक की जिंदगी दिन महीने साल काट रहे हैं। बस जल्दबाजी में अमीर बनने की ख्वाहिश इन्हें शॉर्टकट राह से लॉन्ग टाइम के लिए जहन्नुम पहुंचा देती है। विडंबना तो इस बात का है कि युवक युवतियों को इस अंधेरी दुनिया की हकीकत पहले नहीं दिखती, दिखती है रुपए पैसे अय्यासी की लग्जरी जिंदगी। अभी के समय में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें गैंगस्टर में किसी लड़की इन्वॉल्व है, और हम लोगों के लिए भी ये एक ताज्जुब की बात है कि जहाँ हम लड़कियों की सुरक्षा को लेके इतना हम लोग मुस्तैद रहते हैं, उसमें एक लड़की जो कि एक सामाजिक रास्ते से, सही रास्ते से भटक के ये इस तरह गैंग के लोगों के बहकावे में ये गलत कदम उठा रही थी, और हम चूँकि उसको उसके किए का फल मिलने वाला है वो गिरफ्तार होके चली गई है जेल। यहाँ पलामू की जितनी भी लड़कियाँ हैं जो कि टीन एज है, जिनको सोचने समझने की ज़्यादा नहीं हो सकती, टीन एज में चूँकि नदाने में लोग फैसला करते हैं, तो यहाँ की लड़कियों से मेरा यही गुजारिश है कि आप इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आए। गैंगस्टर जो कि लोग फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आप उसकी उस तरफ आप नहीं जाएं। हकीकत और फिल्मी दुनिया में बहुत सारा अंतर होता है। यहाँ गैंगस्टर में जितने भी लड़के लोग हैं, जितने भी गिरोह के लड़के हैं, मेरे ख्याल से लड़कियों को वो एक अपना एक टशन सा इनको देखते हैं, ये एक फैशन सा है, तो इस चीज़ में लड़कियां नहीं जाएं, ये फैशन नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या किसी ने कभी सोचा भी होगा कि जिस विमेंस कॉलेज से पढ़कर गरीब से गरीब घर की बेटियां अपने सपनों को पंख दी, वही मेदिनीनगर जैसा सुरक्षित शिक्षित जगह कि एक युवती ने अपनी चाहत के लिए जुर्म का राह चुनना मुनासिब समझा। पता नहीं अब तक कितने युवतियां एक एक कर अपनी जरूरत या फिर चमक के पीछे दीवानी होकर भटक चुकी होंगी।
क्योंकि दबी जुबां से इनकी हरकतों का जिक्र पहले भी हो चुका है। पता नहीं ये सिर्फ पलामू का हाल है या रांची, पटना, धनबाद, जमशेदपुर के अलावा मेट्रो सिटी से भी इनके तार जुड़े होंगे। की है ये पैसे और प्यार, इसके चक्कर में इस तरह का कदम उठाए है ये। इस तरह के जो लड़के हैं जो गैंग से संबंधित हैं, उस तरह के लड़कों से ये दूर रहें, और इनके साथ अगर कोई इनको भगाने की कोशिश करता है तो हमारी मदद ले सकते हैं, हम इनकी मदद करेंगे। हम सभी लड़कियों से गुजारिश करते हैं, पुनः अभी भी गुजारिश कर रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह की समस्या है या आपको लगता है कि आपने जिसके साथ दोस्ती की उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उनका आपराधिक इतिहास रहा है, आप तुरंत ब्रेकअप ले। अगर आपको लड़का किसी तरह से मजबूर कर रहा है ज़बरदस्ती अपना रिश्ता रखने के लिए, दोस्ती रखने के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। कानून को इस दिशा में तेजी से बढ़ना होगा कि इनके क्षेत्र का दायरा कितना है और जुर्म के लिए ये कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि इन पर अब तक शक नहीं था, जो सुरक्षित हथकंडा खुद है। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। जुर्म और गुनाह को अंजाम देने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडे को जान, इसकी हकीकत को सुन करके जितना आप अचंभित हैं उससे कहीं ज़्यादा चौकन प्रशासन है। पर अब सवाल है कि कहीं डब्लू गिरोह पर हमलावर सुजीत गिरोह का ये दौर मेदिनीनगर में गैंगवार को तो नहीं बढ़ावा दे रहा है। दो दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो इसकी गुंज दुनिया सुनती है। यह स्वरूप है पलामू में, जुर्म की दुनिया में नाम कमा चुके सुजीत सिन्हा और डब्लू सिंह का। कभी मेदिनीनगर के रेड़मा स्थित पांकी रोड के दो दोस्तों ने अपराध का राह चुना तो देखने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि दोनों दोस्त की दुश्मनी दोस्ती के हद से आगे बढ़कर जान की प्यासी हो जाएगी। पर पिछले कई साल से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए हैं। इसकी धमक फेसबुक से लेकर गैंगवार के रूप में भी पलामू वासियों को देखने को मिली है। निमिया की युवती का लॉ सिंह को मारने की साजिश और फिर लॉ सिंह के रूप में डब्लू गिरोह को नुकसान नहीं पहुंचा पाने पर अमन सिंह पर जानलेवा हमला करना, शिथिल पड़े डब्लू गैंग पर हावी होने की कोशिश हो सकती है। और ये गैंगवार को लेकर के मैं गैंगवार के दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। लड़की ने जो है फिल्मी स्टाइल में दोनों क्रिमिनल गैंग के लीडर के साथ संपर्क कर एक को हत्या कराने के लिए एक के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रची थी, जिसके कारण वो आज पढ़ी लिखी लड़की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली है वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। पर इनकी चुप्पी के बाद घट रही घटनाओं पर पलामू पुलिस अधिकारियों ने भी नज़र गड़ाए हुए हैं, जिसका प्रमाण है जेल में कैद ज़्यादातर दोनों गिरोह के सदस्य। हालांकि अमन सिंह पर गोली भले ही चली पर कई चेहरे शहर से अब तक पलायन कर चुके होंगे। पर शांति व्यवस्था या कहें बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस इन हमलावरों को मुठभेड़ में मार गिराने से भी नहीं चुकेगी। कृपया अपने बच्चों को संस्कार दें, अपराध की दुनिया में जाने से रोकें, वरना पुलिस और कानून, भारत का कानून को पुलिस, भारत के कानून ने, भारत के संविधान ने, भारत की आईपीसी ने, भारत की सीआरपीसी के कानून ने जो जनता ने बनाया है, इस समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस को ये अधिकार दी है कि वो आत्मरक्षा मुठभेड़ से चुकेगी नहीं। बहरहाल देश के दुश्मनों यानी आतंकवादियों और उनके समर्थकों रिश्तेदारों पर चल रही एनआईए की कार्रवाई के तर्ज पर समाज के दुश्मन अपराधियों पर भी पलामू पुलिस पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। चाहे डब्लू सुजीत हो या कुणाल बंधु, सबके समर्थकों रिश्तेदारों की बेनामी संपत्ति का गहन जाँच पड़ताल शुरू हो चुका है। उनके द्वारा कमाए गए काले धन को पुलिस खोज खोज कर निकालेगी। कहा जा सकता है कि प्रशासन अपराध की कमर तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। जैसे अभी चल रहा है ना कश्मीर में टेरर फंडिंग को जब्त किया जा रहा है एनआईए के द्वारा। कई बार लोगों को लगता है कि हम जेल चल गए,
मेरा बाप मजे से खा रहा है, मेरा भाई मजे से खाना खा रहा है क्रिमिनल क्राइम का पैसा से, उस पैसा को भी हम जब्त करेंगे। मौसी के नाम में भी अगर जमा किया है पैसा, मामा के नाम पे, चाचा के नाम पे, काका के नाम पे, बहन के नाम पे, बहनोई के नाम पे, अगर मुंबई में और पुणे में भी इन्वेस्ट किया है तो उस पैसा को खींच के निकालेंगे। पलामू पुलिस ने छिटपुट घटनाओं के रोकथाम के लिए भी चक्रव्यूह रच दिया है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पूरी तरह से अब सेफ जोन है। अपराधी गिरोह का पनागाह माने जाने वाले पोखराहा में पिकेट से जहां गिरोह के मूवमेंट में कमी आई है, वहीं निमिया बैरिया सहित आपराधिक अड्डा के रूप में चिन्हित हाउसिंग कॉलोनी में शहर का तीसरा टीओपी खुलने से अपराधियों पर पूरी तरह शिकंजा कस गया है। पुलिस के इस घेराबंदी से अपराध कर फरार होना मेदिनीनगर से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। हाउसिंग कॉलोनी का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पर अपराधी तत्वों ने इस जगह पर कई बार शरण लिया है और कई बार अपराधी घटनाएं हुई है ना। तो पिछले साल भी चंदन सिंह का जो मर्डर हुआ था इसी क्षेत्र से उसको लेके अपराधी तत्व गए थे। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग की नज़र में था, तो हम लोगों ने जो है इस टीओपी का उद्घाटन आज किया। मुझे लगता है कि टीओपी के उद्घाटन के पश्चात सभी प्रकार की गतिविधियों पर जो अवैध गतिविधियां हैं वो रुकेंगी। ये जो है यहाँ पर शरण नहीं मिल पाएगा अपराधी तत्वों को, अपराधी तत्वों पर हमारी नज़र रहेगी। और यहाँ के जो तीन पंचायत हैं उन तीनों पंचायतों की जनता और जनप्रतिनिधियों का हम लोग को सहयोग मिलेगा। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है पर अपराध पर लगाम लगाना समाज की भी जिम्मेवारी है। हम में से ही किसी न किसी घर से कोई डब्लू, कोई सुजीत तो कोई दया ममता के रूप कातिल व गुनाहगार बन रही है। हर अभिभावक को सच्चा नागरिक बनना होगा। ब्यूरो कैपिटल न्यूज। जी, समाज के लिए अपराध की दुनिया घातक साबित हो सकती है। अपने बच्चों को संस्कारी भी बनाएं और उनके हर एक मूवमेंट का ख्याल रखें, साथ ही अपने अगल बगल के बच्चों का भी ख्याल रखें, उन पर निगाह रखें ताकि समय पर उन्हें रोका जा सके, वरना आज की अनदेखी, आज की लापरवाही समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। एपी लकी का नमस्कार।